हाय गाइस, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम मोर स्पेसिफिक। थोड़ा सा और स्पेसिफिक होंगे हम लोग कि नहीं, आपको पर्टिकुलर इस पोर्शन से टैग नेम के थ्रू चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है। ये कैसे करेंगे यही हम लोग सीखने वाले हैं। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ये हम लोगों ने एग्जाम्पल में पहले पिछले वीडियो में देख लिया है, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। एक HTML टैग मैंने, मान लीजिए कि मैंने HTML का कोड लिखा हुआ है, पी टैग है हमारा, पी टैग में मैंने ID बनाया है, गिक हेलो टेक्स्ट है इसका, उसके अंदर स्पैन है, स्पैन के अंदर गिकी सोर्स टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पी के अंदर ही EM है, EM के अंदर मैंने वर्ल्ड लिखा और पी टैग हमारा यहाँ से बंद। और जानते हैं कि हम लोग अगर इस तरीके से लिखते हैं तो ये हमारा वैलिड कोड है, ये स्पेस यहाँ मायने नहीं रखता है फिलहाल के लिए, जब तक आप इसको पी टैग के अंदर नहीं लिखते हैं तब तक। सो ये वैलिड HTML का कोड है हमारा। अब इसमें से मुझे स्पेसिफिकली चीज़ें निकालनी हैं। मान लीजिए कि इस तरीके का बहुत सारा कोड है, एक डिव भी है, डिव के अंदर स्पैन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे स्पेसिफिकली क्या करना है कि जिस भी टैग में, जिस भी एलिमेंट में ID नेम गिक है, उस टैग में जाओ और वहाँ से जिस भी टैग का नाम स्पेन होगा वो डेटा मुझे एक्सट्रैक्ट करके दो। समझिए मेरी बातों को, ठीक से सुनिए और समझिए। मैं कह रहा हूँ अपने प्रोग्राम को कि पूरे मेरे डॉक्यूमेंट में, पूरे वेब पेज में सर्च करो कि कहाँ पर ID गिक है, जहाँ मिल जाए उसके बाद देखो कि उससे अटैच्ड स्पेन टैग कहाँ है, अगर स्पेन टैग है तो वो रिटर्न करके आपको देना। सो ये मोर स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफाई कर दे रहे हम लोग कि गिक ID होना चाहिए और उसमें होना चाहिए स्पैन टैग, और वो स्पैन टैग ही मुझे सिर्फ चाहिए, मुझे पूरे वेब पेज का नहीं चाहिए। वेब पेज में आपको देखना है लेकिन मुझे पूरे वेब पेज का स्पैन टैग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ गिक ID वाले स्पैन टैग की ज़रूरत है। सो स्पेसिफाई कर दे रहे हैं। सो कैसे करेंगे इसको अचीव? इसको अचीव करने के लिए आप पहले गेट एलिमेंट बाय ID का इस्तेमाल करते हैं, इससे आपको इस पूरे पी का पता चल जाएगा जो कि रिटर्न होगा गेट स्पेन में। अब इस गेट स्पेन में आपको देखना है टैग नेम के द्वारा, सो उसको हम लोग वायर रिजल्ट में स्टोर करेंगे, और इस गेट स्पेन में जो है डेटा स्टोर है उसमें हम लोग गेट एलिमेंट्स बट टैग नेम लगाएंगे स्पेन, तो ये हमें सिर्फ स्पेन का, स्पेन को रिटर्न करके देगा। देखिए गेट स्पेन में ये पूरा पी है जिसके अंदर स्पेन टैग और EM टैग दो चीज़ें हैं। गेट स्पेन के अंदर आपको देखना है कि स्पैन टैग कितना है और है या नहीं है, और अगर है तो उसको रिटर्न करना है। सो स्पैन टैग एक है हमारा, तो ये रिटर्न होकर रिजल्ट के पास आएगा। जब आप फाइनली रिजल्ट को देखेंगे कंसोल लॉग में तो आपको ये स्पैन टैग वहाँ दिखाई देगा। इस चीज़ को दो लाइन में इस तरीके से लिखने के बजाय आप सिंपली एक लाइन में इस तरीके से लिख सकते हैं मेथड को चेन बनाकर, यानी कि पहले मेथड को हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, डॉट लिखा, और दूसरे मेथड को भी हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। यहाँ से हम लोगों ने गायब कर दिया है गेट स्पेन को, ओके। बाकी सारी चीज़ें सेम है, ये जो आउटपुट देगा दो लाइन वही आपको ये सेम लाइन भी आउटपुट देगा। बट ये जो कोड होता है ये बगी होता है, बगी होता है मीन्स अगर आपने कुछ मिस किया तो इसको ठीक करने में आपको काफ़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आपको ठीक लगे, आप श्योर हैं कि मेरा कोड बिल्कुल सही है, तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ये एक लाइन में ख़त्म हो जाता है। उसी तरीके से अगर ऐसा सिनेरियो रहता है कि मेरे वेब पेज में गिक आईडी के अंदर जितने भी टैग हैं, सिर्फ स्पेन नहीं, जितने भी टैग हैं सभी को मुझे दो रिटर्न करके, तो उस केस में आपको लिखना है वेयर रिजल्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो इससे क्या होगा, इससे ये इस पी के अंदर पहुंच जाएगा, और आपने यहाँ लिख दिया गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम एस्ट्रिस्क, एस्ट्रिस्क मतलब जितनी भी चीज़ें हैं सारे रिटर्न करो। तो इस पी के अंदर पहुंचने के बाद जितनी भी इसके अंदर टैग्स हैं सभी को रिटर्न करके रिजल्ट में देगा, यानी कि अगर आप इस कोड को कॉन्सोल डॉट लॉग करेंगे तो आपको स्पेन और EM दोनों दिखाई देगा। चलिए इसको हम लोग प्रोग्राम में देखते हैं। ओके, सो वेब पेज हमारा वही है जो मैंने अभी लिखा था, ठीक है, और इसमें मैंने स्पेन वगैरह लिखा नहीं है, तो कैसे इसका एग्जामिन होगा? तो मैं कोड थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं। ओके, कोड मैंने क्विकली इसको मॉडिफाई कर लिया है और मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ तक तो ठीक है, ये H1 है, ये H2 है,
ये पी है जिसके अंदर मैंने आईडी गीक लिखा हुआ है हेलो, यहाँ स्पेन दिया है गीकी सोज स्पेन टेक खत्म, ईएम के अंदर वर्ल्ड लिखा, स्पेन एक और स्पेन बनाया है मैंने यहाँ, और ये आपका यूट्यूब है और पी टेक हमारे यहाँ से करो। इसको अगर हम लोग ब्रेक कर दें तो कोई ये कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, यहाँ से ईएम और यहाँ से स्पेन, या कुछ मे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। ओके सर, कोई ये कुछ इस तरीके से है, ये पी यहाँ से इसका चाइल्ड ये बन जा रहा है स्पेन, ये बन जा रहा है और यहाँ एक और स्पेन है, ठीक है। उसके बाद ये पी हमारा यहाँ से क्लोज, उसके बाद यहाँ से एक और पी मिल जाता है आपको, जो कि जिसका क्लास जिसका आईडी है फाइंड, इसके अंदर भी एक स्पेन है, तो इसको भी मैं ब्रेक कर देता हूँ, और यहाँ से हमारा ये टेक्स्ट है और ये हमारा पी टैग है। ओके सो होपफुली आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, रूट एलिमेंट एच टी एम एल हेड मेटा टाइटल हेड क्लोज बॉडी स्टार्ट एच वन एच वन एच टू पी पी में आई डी गीक हेलो टेक्स्ट स्पेन स्पेन का टेक्स्ट गीकी सोस ई एम ई एम का टेक्स्ट वर्ल्ड स्पेन यूट्यूब स्पेन क्लोज ये पी क्लोज ये पी स्टार्ट इसका आई डी फाइंड इसमें एक स्पेन है बाय और इस पी का टेक्स्ट है गीकी सोस पी क्लोज डिव पी एक पी यहाँ दूसरा पी यहाँ डिव क्लोज और यहाँ आपका स्क्रिप्ट स्टार्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एच टी एम एल कोड समझ में आया होगा। देखिए मैं एच टी एम एल के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ये बेसिक है और ये आपको पता होना चाहिए जावास्क्रिप्ट पढ़ने से पहले। सो अगर किसी को समझ में नहीं आता है कि ये क्या लिखा हुआ है यार ये क्या लिखा हुआ है, तो इसके लिए आपको एच टी एम एल पढ़ना पड़ेगा पहले ठीक से, आपने ठीक से पढ़ा नहीं है। सो जाकर आपको एच टी एम एल पढ़िए, उसके बाद आप जावास्क्रिप्ट पढ़ना चाहिए, ऐसी मेरी सलाह है आपके लिए। सो हमें क्या करना है, मोर स्पेसिफिक होना है और हमें कहना है कि गीक में जाओ और इसके अंदर के जो स्पैन है उसको मुझे एक्सट्रैक्ट करके दो। अभी अगर स्पेसिफिक अगर आप नहीं होते हैं, एज्यूम करते हैं वेयर लिखा मैंने रिजल्ट लिखा मैंने इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम और यहाँ मैंने पी लिख दिया, ठीक है पी लिखा, या फिर अगर स्पैन भी लिखते हैं, मान लीजिए स्पैन लिख दिया बिकॉज स्पैन को ही करेंगे तो स्पैन लिख देते हैं, स्पैन लिखा, इसको हम लोग कॉन्सोल लॉग कर लेते हैं और यहाँ हम लोग रिजल्ट लिख देते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी कर देता हूँ मैं बिकॉज हम लोग हमेशा से उसको देख रहे हैं तो अभी भी उसको देख ही लेते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल अप किया मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिजल्ट सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी मोर स्पेसिफिक में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है सेव किया मैंने, सॉरी रिफ्रेश किया मैंने, रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि आपको एक स्पेन यहाँ मिलता है, दूसरा स्पेन यहाँ मिलता है, तीसरा स्पेन आपको यहाँ मिलता है। ये जो दो स्पेन है ये एक इस पैरा से आ रहे हैं और ये तीसरा स्पेन है ये बाय वाले पैरा से आ रहा है। चलिए इसको देखते हैं कोड में कि कहाँ क्या चीज़ है। अगर इस स्पैन को आप देखें तो ये आपको उस एलिमेंट में लेके जाएगा, ये देखिए इस पी के अंदर ये स्पैन है, उसी तरीके से इस स्पैन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये उस यूट्यूब वाले पे लेके जाएगा जो कि इसी पी के अंदर है, लेकिन अगर इस स्पैन को आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दूसरे जिसका आईडी फाइंड है उस पर लेकर जाता है। इतना का कन्फ्यूज़न हो रहा है आपको तो छोड़िए, उस पर नहीं, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, अभी जो बताया उसको ब्लैंक वो गलत वो हटाइए, ठीक है गलत नहीं है बट उसको हटाइए क्योंकि कन्फ्यूज़ हो रहा होगा मे बी। सो सिंपली इतना ध्यान में रखते हैं कि ये जो स्पेन है ये हमारा इस पैरा से आ रहा है, ये जो दूसरा स्पेन है ये भी हमारा सेम पैरा से है, ये जो तीसरा स्पेन है ये मुझे लगता है कि ये इस पैरा से है, ठीक है। इसको नीचे कर दें और इसको कोड में देखते हैं कि कौन कहाँ से था, तो ये स्पेन एक पैरा से, ये स्पेन एक पैरा से, यानी कि इस पैरा से ये दो स्पेन आ रहा था और एक स्पेन जो था वो यहाँ से आ रहा था। अब ऐसा लिखते हैं आप कि स्पेन टैग एक्सट्रैक्ट करो पूरे डॉक्यूमेंट में, तो आपको ये पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ भी स्पेन होगा वो सारा स्पेन निकाल कर हाथ में दे देता है रिजल्ट के तौर पर। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे स्पेसिफिकली कहना है कि भाई साहब जिस टैग की आईडी गीक हो उस टैग के अंदर जो स्पेन हैं सिर्फ वही मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, वही मुझे रिटर्न लेना है। तो उस केस में आप स्पेसिफिक हो जाते हैं कि आपको पूरे वेब पेज का स्पैन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक आईडी के अंदर जो स्पैन है वही चाहिए, यानी कि आपको इस आईडी के इस स्पैन की आवश्यकता नहीं है,
आपको सिर्फ आईडी जिसका गीक है वैल्यू उसके अंदर जो स्पैन है उसी को चाहिए। तो उसके लिए आपको कोड लिखना है और स्पेसिफिक होकर। कैसे लिखेंगे, यहाँ से मैं इसको पूरा हटा रहा हूँ। सबसे पहले उस आईडी तक आपको पहुँचना है। तो मैंने लिखा वेर गेट स्पैन इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी तक कैसे पहुँचेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड से पहुँचेंगे। आईडी का नाम क्या है, किस आईडी तक पहुँचना है मुझे, गीक आईडी तक पहुँचना है। तो मैंने लिख दिया, तो मैं उस आईडी तक पहुँच गया। अब उस आईडी के अंदर जो स्पैन टैग्स हैं उसको मुझे चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक और बनाते हैं वेरिएबल जो कि रिजल्ट हमें देगा इक्वल। मुझे इस टैग के अंदर स्पैन चाहिए, तो इस टैग के अंदर गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम करना है और इसमें मुझे लिखना है कौन से टैग्स मुझे चाहिए। मुझे चाहिए स्पैन टैग्स, तो मैंने सेमी कोलन दे दिया। अब इस लाइन ऑफ कोड से ये उस आईडी तक पहुंच गया, यानी कि यहाँ तक पहुंच गया। उसके बाद इस आईडी में ये देखेगा कि स्पैन टैग कहाँ कहाँ है, तो इस चीज़ से ये इसको लुक कर लेगा और हमें रिटर्न करके दे देगा रिजल्ट में। सो अगर आप सिंपली यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें रिजल्ट देखेंगे, तो ये आपको एक ऑब्जेक्ट लिस्ट रिटर्न करके देगा। साथ में अगर कॉन्सोल लॉग करेंगे तो आपको प्रॉपर दिखाई देगा कि क्या चीज़ें रिटर्न हो रही हैं। सो उसको भी देख लेते हैं, रिजल्ट सेव करते हैं। इसको सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, अभी रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ सिर्फ हमें 2 दिखाई देगा, जो कि इसी सिर्फ इसी पैरा का होगा जिसका आईडी है गिक। यहाँ क्लिक किया, देखिए यहाँ इंस्पेक्ट हो रहा है, देन इसको आप करेंगे तो देखिए यहाँ इंस्पेक्ट हो रहा है। ओके, सो इस तरीके से आप थोड़ा और स्पेसिफिक हो सकते हैं। अब इन 2 लाइन ऑफ कोड को अलग अलग लिखने के बजाय आप एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। कैसे, आपको लिखना है वेर रिजल्ट इक्वल डॉक्यूमेंट, मतलब इसको मैं ज़रा सा बैक कर लेता हूँ, पहले लिख लेता हूँ फिर इसको हटाएंगे। सो हम लोग क्या करने वाले हैं एक्चुअली में, कि वेर रिजल्ट इक्वल इन दोनों को हम लोग मर्ज कर देंगे। तो मर्ज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, डॉट लिखिए, और इस चीज़ से हमें जो रिटर्न मिलेगा वो जाकर यहाँ सेव हो रहा है। यानी कि अल्टीमेटली हम लोग उसकी जगह पर इसको भी लिख सकते हैं और हम लोग इसको अपेंड कर देंगे इसी मेथड के साथ डॉट लगाकर। तो हमें ये दोनों अब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमें सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद हम लोग इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो हमें सेम चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओके, सो ये है आपका मोर स्पेसिफिक, कैसे आप चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि जो हम लोगों ने आईडी फाइंड किया गिक, उसके अंदर स्पैन है, ईएम भी है और स्पैन है, लेकिन ईएम का हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ स्पैन लिखा हुआ है, तो हमें सिर्फ स्पैन ही मिल रहा है। अब अगर आपको इसके अंदर के सभी टैग्स, यानी कि अगर इसके अंदर कोई H1 है या फिर कुछ और है, तो सभी को अगर जानना है, स्पेसिफिक नहीं कि स्पैन ही होना चाहिए, उतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, बट इतना स्पेसिफिक है कि हाँ गीक आईडी के अंदर वाले टैग्स को ही जानना है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि गीक के अंदर जितने भी टैग हैं वो मुझे चाहिए। तो उसके उसके लिए सिर्फ आप क्या कीजिए कि ये तो आपको गीक तक पहुंचा देगा और ये गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम में यहाँ स्पैन की जगह आप एस्ट्रिस्क लिख दीजिए। एस्ट्रिस्क क्या करता है कि जितने भी होंगे इसके अंदर सारे को रिटर्न करके देगा। सेव करना है, सेव करने के बाद इसको ब्राउज़र में रिफ्रेश करते हैं। देखिए इसके अंदर हमें स्पैन मिल जा रहा है, ईएम मिल जा रहा है और एक और स्पैन है। अगर इसके अंदर कोई और अगर आप बनाते हैं, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक यहाँ एक मुझे तो याद तो आ नहीं रहा, एक और स्पैन मान लीजिए बनाते हैं या फिर एक बी बनाते हैं, ठीक है। हेलो, सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद इसको जब आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ,
तो ये आपका 3 से हो जाएगा 4, ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये बात। एक चीज़ का ध्यान रखना एक और, कि अगर आप H1 बनाते हैं, और मैंने इसमें लिख दिया हेलो H1, सेव करते हैं इसको, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये यहाँ नहीं आता है, ठीक है, बिकॉज़ ये जो है वो एक न्यू लाइन में चला आता है, इसीलिए, यानी कि ये जो टैग है ये ब्लॉक लेवल का टैग है, ठीक है, इसी वजह से ये जो है आपका यहाँ नहीं आपको दिखाई देता। सो इन सब चीज़ों को छोटे छोटे ये बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी जब भी आप इस एस्ट्रिस्क का इस्तेमाल करते हैं तब। इसीलिए बेहतर यही कहा जाता है कि आप स्पेसिफिक हो जाएं कि क्या आपको चाहिए और क्या आपको नहीं चाहिए। किसी किसी ब्राउज़र में ये सपोर्ट करता है, अगर ऐसा अगर आप करते हैं H1 इस तरीके से लिखते हैं, तो इसलिए ये रीज़न देना कि ये ब्लॉक लेवल है या फिर ऐसा कुछ, ये रीज़न सही नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि किसी किसी ब्राउज़र में मे बी ये सपोर्ट करे और आपको यहाँ लेंथ 5 दिखाई दे और ये H1 भी यहाँ आपको शो करने लगे। सो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ध्यान रखिए कि एस्ट्रिस्क का इस्तेमाल कम कीजिए, जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ इस्तेमाल मत कीजिए। वैसे आपको इसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैंने तो कभी नहीं किया है, और होपफुली आपको भी आवश्यकता ना पड़े। सो गाइज, ये है आपका गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम मोर स्पेसिफिक का कॉन्सेप्ट। इसको भी आप 2 लाइन में लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पीछे अभी कुछ देर पहले देखा था, लेकिन मैंने सिर्फ 1 लाइन वाला ही आपको यहाँ बताया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।